ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाव भवेत्। नमस्ते। योग दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो हमें जीना सिखाता है, मरना सिखाता है, कैसे जिए कैसे मरे, पूरी जीवन शैली है योग। कुछ दिनों पहले मैं हवाई जहाज में ट्रैवल कर रही थी तो मैंने सुना कि फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा, पुट योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट बिफोर हेल्पिंग अदर्स। और ये बात कितनी सच है कि अगर हम खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दूसरों को कैसे स्वस्थ करेंगे। अगर हम खुद प्रसन्न नहीं हैं तो दूसरों को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं। अगर हम खुद आनंदित नहीं हैं तो दूसरों में क्या आनंद बांटेंगे। इसलिए अक्सर सब यही कहते हैं कि दूसरों के लिए करो, दूसरों से प्रेम करो, पर मैं, मेरी पर्सनल सोच ये है कि आप अपने आप से प्रेम करो, क्योंकि यदि आप अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते तो आप दुनिया में किसी से प्रेम नहीं कर सकते। अक्सर हम दूसरों को खुश रखने के लिए दूसरों की सेवा में ऐसे जुट जाते हैं कि कहीं अपने आप को भूल जाते हैं, और जब अपने आप को भूलते हैं तो कुछ बीमारियां हमें घेर लेती हैं। जैसे हमारा जो चेंज्ड लाइफस्टाइल है, हमारा जो लाइफस्टाइल बदल चुका है, जीवन जीने की शैली बदल चुकी है, उसका निश्चित रूप से प्रभाव हमारे तन पर भी पड़ता है, हमारे मन पर भी पड़ता है। पहले हम इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स में जाया करते थे, अब वो भी यूरोपियन स्टाइल हो गया है। घर की माताएं जमीन पे बैठ के कपड़े धोती थी, अब मशीन भी खड़े खड़े आ गई है, यानी वो भी खड़े खड़े हो जाता है। पहले मल मूत्र विसर्जन बैठ करके करते थे, अब वो भी खड़े खड़े होने लगा। माताएं घर में खाना बनाती थी बैठ करके, अब वो भी स्लैप आ गए, तो वो काम भी खड़े खड़े हो गया। यानी कि बैठने की, तो पहले घर में बैठक होती थी तब भी हम जमीन पर बैठ करके बात करते थे, अब सोफे कुर्सी आ गए, वहां भी बैठना नहीं होता। यानी घुटनों का काम बिल्कुल खत्म हो गया है, और इतिहास गवाह है कि जिस अंग का काम खत्म हो जाए वो लुप्त होता जाता है। जैसे पहले बताते हमारी पूंछ होती थी, अब नहीं है, ऐसे ही जिस तरह से अब घुटनों का प्रयोग नहीं है तो लुप्त ही है एक तरह से। आजकल लोगों को कहो कि भाई जमीन पर बैठ जाओ तो वो इस तरह से हवाई जहाज बना करके बैठ जाते हैं, उनसे जमीन से पर बैठा भी नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में घुटनों का दर्द बढ़ते बढ़ते आजकल फिर इतना ज्यादा घुटनों में समस्या होगी कि नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। ऐसी नौबत हमारे जीवन में ना आए उसके लिए रेगुलर आप करेंगे योगाभ्यास। यानी अगर आपके भी घुटनों में दर्द है या आप चाहते हैं कि आपके घुटने हमेशा स्वस्थ रहें, तो प्रण लें, दृढ़ निश्चय लें कि मुझे भारत योग का अभ्यास करना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। मैं स्वस्थ नहीं हूं तो मैं किसी को स्वस्थ नहीं रख पाऊंगा। सबसे पहले अपने आप को देखें, अपने आप से प्रेम करें। घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए, नी पेन से निजात पाने के लिए सबसे पहले आप करेंगे खड़े होकर के ताड़ासन। और ये ध्यान रखिए कि घुटना शरीर का वो एकमात्र ज्वाइंट है जिस पर पूरे शरीर का वजन टिका रहता है। इसलिए यदि आपका वजन बहुत ज्यादा है तो घुटने की दर्द की समस्या तो अपने आप हो जाएगी। यानी वो लोग जो ऑलरेडी बहुत मोटे हैं, ओबेसिटी से परेशान हैं, वो ये बात समझ लें कि आप तो घुटने की एक्सरसाइजेस अभी से करना शुरू कर दें या फिर अपना वजन कम करें, जिससे कि घुटने की दर्द की समस्या बढ़े ना या डेवलप ना हो। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए सीधा खड़े हो जाएंगे, और ताड़ासन के लिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। यानी अपना अभ्यास हमेशा ताड़ासन से शुरू करें। सीधे खड़े होंगे, एड़ी पंजे मिले हुए, फिंगर्स को क्रॉस करके सीने के सामने टिका देंगे। सांस को भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, हाथ पूरे ऊंचे उठ जाएं, पंजों पर पूरा वजन आ जाए, एड़ियां भी ऊंची उठा लें। यथा सामर्थ्य रुके, सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, हाथों को वापस ले आए। फिर से स्थिति लें, सांस भरते जाना, हाथ
हाथों को आपस में मिला लें, पैरों को ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ताड़ासन के अभ्यास 4 से 5 बार जरूर करेंगे और ताड़ासन के बाद आप लेंगे विरेचन क्रिया का अभ्यास। यदि आप इसे बैठ करके कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है, लेकिन घुटने में अगर इतना ज्यादा दर्द है कि आपके लिए बैठना भी मुश्किल है तो आप इसको खड़े खड़े भी अभ्यास कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि विरेचन क्रिया का अभ्यास खासतौर पर नी पेन यानी घुटनों के दर्द से परेशान लोग बिल्कुल भी जंप के साथ नहीं करेंगे। आपको बिना जंप के विदाउट जंप ही इसका अभ्यास करना है। सीधे खड़े हैं, एड़ी पंजे मिले हुए हैं और हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देना। सिर्फ दो काम एक साथ करने हैं, सांस को प्रेशर के साथ छोड़ना और मनोवह नाड़ियों पर यानी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर प्रेशर देना। यहाँ पर हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स हैं और ये ध्यान रखें कि सांस को छोड़ने की आवाज़ आएगी, सांस को भरने की आवाज़ नहीं आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सांस भर ही नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से आप सांस भर रहे हैं तभी तो उसे छोड़ रहे हैं, लेकिन सांस के भरने की आवाज़ नहीं आएगी। स्थिति में आए, कम से कम 100 बार विरेचन क्रिया का अभ्यास करेंगे, पैरों को ढीला छोड़ देंगे, हाथों को आपस में मिला लेंगे, शरीर को बिल्कुल विश्राम दे देंगे और ध्यान टिका देंगे अपने श्वास पर। जब तक श्वास की गति नॉर्मल नहीं हो जाएगी तब तक आप विश्राम की ही स्थिति में रहेंगे। विरेचन क्रिया के बाद अगली क्रिया आप लेंगे उत्कट आसन। और ये ध्यान रखिए कि उत्कट आसन उन लोगों के लिए है जिनको नी पेन एकदम इनिशियल स्टेज पर है, या फिर जो ऐसा चाहते हैं कि उनके घुटने स्वस्थ रहें। जिनको बहुत पुराना घुटनों का दर्द है यानी वो बैठ ही नहीं पाते हैं तो वो इसकी अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे, वो इसको अवॉइड कर देंगे, लेकिन बाकी लोग इसका अभ्यास ज़रूर करेंगे। अपने दोनों पैरों में एक पैर जितना गैप दे देंगे नाप करके, हथेलियों को टिका देंगे जंघाओं पर, सांस को भरते जाना और पूरा शरीर पंजों पर आ जाए, हाथ भी ऊपर उठ जाए। स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे, सांस को छोड़ते जाना, नीचे बैठते जाना, एड़ियां जमीन को नहीं छुएंगी अभी भी, यानी पूरी क्रिया में एड़ी जमीन को टच नहीं करेगी। बैठ जाना, ऐसा करने से घुटने का पूरा मूवमेंट होगा। यहाँ पर फिर से रुकें, फिर सांस भरना और फिर से पूर्व स्थिति में आ जाना, यानी पूरा शरीर पंजों पर, सांस छोड़ना, एड़ियां भी जमीन पर आ जाएंगी, हाथ भी नीचे आ जाएंगे और शरीर को ढीला छोड़ देना। फिर से देखें उत्कट आसन का अभ्यास कैसे करना है। 3 सेकंड्स में आना, 6 सेकंड्स तक अपनी श्वास को अंदर ही होल्ड करना, श्वास छोड़ते हुए बैठ जाना, घुटनों का पूरा मूवमेंट, 6 सेकंड्स तक फिर यहीं रुकना, फिर सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस शरीर को ढीला छोड़ते। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि योगिक एक्सरसाइज में और बाकी ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज में यही अंतर है कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप 20 से 25 श्वास एक मिनट में लेते हैं, पर जब आप योग की साधना करते हैं तो सिर्फ 5 श्वास एक मिनट में लेते हैं, यानी 12 सेकंड्स में एक श्वास। आपने 3 सेकंड्स में श्वास लिया, 6 सेकंड तक होल्ड किया, 3 सेकंड्स में छोड़ दिया। एंड लॉन्गर ब्रीदिंग मीन्स लॉन्गर स्पैन ऑफ लाइफ, शॉर्ट ब्रीदिंग मीन्स शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। यानी आप किसी भी समस्या के लिए योग का अभ्यास कर रहे हैं पर एडिशनल कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाता है। यानी आप कर तो रहे थे घुटनों के दर्द के लिए पर इनका अभ्यास करेंगे तो आपका लाइफ स्पैन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ब्रेथ कंट्रोल बढ़ता चला जाएगा। उत्कट आसन के अभ्यास के बाद करेंगे पवन मुक्त क्रियाएँ घुटनों के लिए। ये वो क्रियाएँ हैं जो कि किसी भी स्टेज का पेशेंट है, यानी या तो बहुत सीवियर नी पेन है वो भी कर सकता है, जिसको बिल्कुल नया नया नी पेन शुरू हुआ है वो भी कर सकता है, या जिसके नी पेन है ही नहीं पर वो चाहता है कि उसके घुटने स्वस्थ रहें वो भी इसका अभ्यास कर सकता है। इसके लिए पैरों को सामने फैला देंगे और पंजे से पवन मुक्त क्रियाएँ शुरू करेंगे।
यानी कि जिस तरह से आप हाथों की मुट्ठी बनाते हैं ऐसे आपको पैरों की मुट्ठी बनानी है, पूरा मुट्ठी बना ली और फिर छोड़ दिया, फिर मुट्ठी बना ली फिर छोड़ दिया। कम से कम 10 बार इसका अभ्यास जरूर करना है। इस तरह से पंजों का अभ्यास करेंगे, 10-10 बस, यानी कि 10-10 बार आपको यह अभ्यास करना है। फिर पैरों को खींचे बाहर की ओर, अपनी ओर, बाहर की ओर, अपनी ओर। जब पैरों को बाहर की ओर खींचेंगे तो घुटनों पे आप स्ट्रेच को महसूस करेंगे, उस स्ट्रेच पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तीसरी क्रिया में सर्कुलर मूवमेंट, पूरा बड़ा चक्र बनाना, लेकिन पैरों का साथ नहीं छूटेगा, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगली क्रिया में पैरों के बीच में थोड़ा गैप दे देंगे और फिर बड़ा चक्र बनाने की कोशिश। और बहुत जल्दबाजी में इन क्रियाओं को नहीं करना है, ये क्रियाएं बहुत आराम से की जाने वाली क्रियाएं हैं। फिर इसके बाद शरीर को ढीला छोड़ें। अब लेंगे अगली क्रिया, इस तरह से फिंगर्स को क्रॉस करके जंघा को पकड़ लेंगे, ऐसे कि आपकी जंघा पेट पर टच कर जाए, आपकी थाइस पेट के अगेंस्ट हो एकदम। और फिर सांस भरते हुए पूरा खोलना, सांस छोड़ते हुए वापस ले जाना। जिन्हें बहुत पुराना नी पेन होगा उनके लिए ये खोलना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ज्यादती नहीं करनी है, जितना आप आराम से खोल सकें। यानी अगर आपने अपने घुटनों को नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में काम दिया होता तो आपको अलग से क्रियाएं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जैसा मैंने कहा कि हमारा लाइफ स्टाइल ही बदल गया है, घुटनों का काम ही नहीं होता है, इस वजह से आपको अलग से घुटने को एक्सरसाइज देनी पड़ रही है। फिर बाएं पैर से करेंगे, पूरा लंबा पैर को खींचना, वापस ले आना, पूरा सीधा करने की कोशिश, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस ले। पैरों को सीधा फैला दें, 10-10 बार दोनों तरफ से करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। और ऐसे नहीं सोचना, अरे इसमें तो एफर्ट ही नहीं लग रहा है तो हम जल्दी जल्दी से इसको करेंगे, नहीं। इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इसको आराम आराम से एक एक मूवमेंट को करेंगे। अगली क्रिया में, और ये ध्यान रखें कि आपका कमर, आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, यानी झुक करके नहीं करना। और ऐसे पेशेंट्स जिन्हें नी पेन भी है और कमर में भी दर्द है, वो उसको लेट करके भी अभ्यास कर सकते हैं। लेट करके करेंगे तो भी आपको सेम ही बेनिफिट्स होंगे, वो विश्राम भी आपको मिल जाएगा और आपको घुटने के दर्द की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। स्थिति में आ जाएं और घुटने से नीचे के पैर से एक बड़ा सा चक्र बनाने की कोशिश करनी, और कोशिश नहीं करनी, बनाना ही है एक बड़ा सा चक्र। पूरा सर्कुलर मूवमेंट, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसको दूसरे पैर से करेंगे, बड़ा चक्र बनाना, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। पैरों को सीधा फैला देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को भी ढीला छोड़ देंगे। इन क्रियाओं का आप रेगुलर अभ्यास करेंगे और साथ में लेंगे प्राणायाम। खास तौर पे आपको करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठ जाएंगे। अगर घुटनों में इतना दर्द है कि आप जमीन पर बैठ ही नहीं पा रहे हैं, उस स्थिति में आप इसको कुर्सी पर बैठ करके भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्राणायाम का अभ्यास चलते चलते, टहलते टहलते नहीं करना है, बैठ करके करना है। भले ही जमीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं तो कुर्सी पर बैठ करके कीजिए। मन को पूरी तरह से नियंत्रण में ला करके करना है, टेलीविजन देखते देखते प्राणायाम नहीं करना है। और ये कोशिश करें कि जब आप प्राणायाम में श्वास को लेने और छोड़ने का काम करेंगे, उस स्थिति में खास तौर पे आपका मानसिक रूप से कोई भी मंत्र, जिस भी जाति, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, कोई ना कोई मंत्र जरूर होगा, उस मंत्र का उच्चारण मानसिक रूप से करते रहेंगे तो प्रार्थना की प्रार्थना हो जाएगी, ध्यान का ध्यान हो जाएगा, प्राणायाम का प्राणायाम हो जाएगा और आपको तीनों के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अपने आसन में बैठे और
बाएं हाथ की अनामिका से बायां स्वर बंद किया और दाएं स्वर से श्वास भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। पूरा गहरा इनहेल कर लेना, जितना मैक्सिमम आप इनहेल कर सकते हैं। दायां स्वर बंद करेंगे, बाएं से सांस छोड़ देंगे। जिधर से सांस छोड़ा उधर से ही फिर से सांस भरेंगे और दूसरी तरफ से सांस छोड़ देंगे। फिर जिधर से छोड़ा उधर से ही सांस भर लेंगे। ये ध्यान रहे कि पहले 15 दिन आप इक्वलाइजेशन का अभ्यास करेंगे, यानी नाड़ी शोधन में जितने समय में सांस ले रहे हैं उतने ही समय में सांस छोड़ेंगे। 15 दिन के बाद आप सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे, यानी जितने समय में सांस लिया उसके दुगने समय में सांस छोड़ना है। और फिर 1 महीने के बाद आप अगले स्टेप पर आ जाएंगे, यानी जितने समय में सांस लिया उतना ही समय सांस को रोका और फिर उतने ही समय में सांस को छोड़ दिया। 3 स्टेप्स का अभ्यास करेंगे, भारत योग की बताई गई आसनों का, बताई गई क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि थोड़ी देर अपने आप से बात ज़रूर करेंगे, जिसको मैं अपनी भाषा में कहती हूँ सेल्फ टॉक थेरेपी। सेल्फ टॉक थेरेपी कैन वर्क मिरेकल्स फॉर यू। हम सभी सेल्फ टॉक करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सेल्फ टॉक नेगेटिव होती है। हाय क्या होगा, हाय मुझसे तो होगा ही नहीं, अरे मैं तो अभ्यास कर ही नहीं पाऊंगी, बस मेरे तो घुटनों में दर्द हो गया, अब तो जीवन बर्बाद हो गया। ये सेल्फ टॉक हम अपने आप से करते हैं नेगेटिव। बट ये सेल्फ टॉक अगर पॉजिटिव हो तो आपका जीवन बदल सकती है। रोज योग अभ्यास के बाद आप थोड़ी देर अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे और अपने आप से कहेंगे कि हाँ, मैंने योग का निरंतर अभ्यास शुरू कर दिया है, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं, और ईश्वर ने मुझे ये मनुष्य का तन दिया है, इसको मुझे स्वस्थ रखना है, और वो मैं योग की क्रियाओं से कर रहा हूँ। अपने आप से सेल्फ टॉक जरूर करें। साथ में एक छोटा सा काम आप और करेंगे, आप लेंगे तिल का तेल। तिल का तेल आपको कहीं भी आसपास दुकान पर बहुत आराम से मिल जाएगा। तिल का तेल लीजिएगा, कपूर घिस करके मतलब पीस करके अच्छा सा पाउडर बना करके उसमें मिला दीजिए तिल के तेल में। ट्रांसपेरेंट शीशी में डॉट लगा के, यानी टाइट बंद करके, ट्रांसपेरेंट ही होनी चाहिए शीशी, कोई और कलर नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट शीशी में डॉट लगा करके तेज़ धूप में 6 से 7 घंटा इसे रखना है। अगर धूप ज़्यादा नहीं निकल रही हो, रोज़ 2 ही घंटा निकल रही हो, तो कम 3 दिन आप इसको रखेंगे, पर 6 से 7 घंटा तेज़ धूप में इसको रखना है। ये आपका तेल तैयार हो गया है, दिस इज़ योर मसाज ऑयल। इस तेल से आप अपने घुटनों की मसाज करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ज़रूर करनी है। बस मसाज कीजिए, योगाभ्यास रेगुलर कीजिए, खुश रहिए और